नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास राजेश शॉर्ट हैंड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह डिक्टेशन जजमेंट लीगल डिक्टेशन रहेगी और इसकी स्पीड 80 शब्द वर्ड प्रति मिनट की रहेगी तथा इसमें सब विराम चिन्हों का उपयोग भी किया गया है। और यदि आपको हमारे MP हाई कोर्ट के पेड ग्रुप से जुड़ना है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे 5 सेकंड बाद। रेडी स्टार्ट। अभियुक्त बादल पर धारा 354 भारतीय दंड संहिता अर्धविराम 1860 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक 06.02.2020 को शाम करीब 16:00 बजे या उसके लगभग पहुहा वाला खेत ग्राम विजयपुरा अंतर्गत थाना रन्नौद अर्धविराम जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश में अभियुक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या यह जानते हुए कि अभियुक्त्री की लज्जा भंग होगी अर्धविराम बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़कर उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया। ब्राम पैराग्राफ चेन अभियोजन साक्षी पीड़िता की अभिसाक्ष्य है कि वह आरोपी बादल सिंह को जानती हैं अर्धविराम जो उसके गांव विजयपुरा का रहने वाला है। ब्राम घटना उसके कथन दिनांक से लगभग 2 वर्ष पुरानी होकर ग्राम विजयपुरा की है। ब्राम वह भैंस लेने गई थी अर्धविराम तभी आरोपी से उसकी कह डैस सुनी हो गई थी। ब्राम उसने घटना की रिपोर्ट थाना रन्नौद में की थी एवं घटना स्थल का नक्शा मौका 02 है। अर्धविराम जिनके ए से ए भागों पर उक्त साक्षी ने अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किए हैं। ब्राम पुलिस ने उसकी डॉक्टरी कराई थी। ब्राम आरोपी ने उसके साथ अन्य कोई घटना कारित नहीं की। ब्राम अभियोजन साक्षी भानु प्रताप सिंह लोधी ने अपने कथनों में फरियादी पीड़िता के कथनों का समर्थन किया है। ब्राम पैराग्राफ चेंज उक्त अभियोजन साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने इस तथ्य से इनकार किया है कि घटना के समय अभियुक्त द्वारा पीड़िता से कहा कि उसके साथ भाग चल एवं बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया और क्वारी भरने लगा। ब्रह्म उन्होंने इस तथ्य से भी इनकार किया है कि पीड़िता ने आरोपी को एक थप्पड़ मारा तब आरोपी ने बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया। ब्रह्म उक्त साक्षीगण ने अभियोजन के इस सुझाव से भी इनकार किया है कि पीड़िता के चिल्लाने पर वीरेंद्र लोधी व भुरिया बाई आ गए थे अर्धविराम जिन्हें देखकर आरोपी भाग गया था। उक्त साक्षीगण ने अपने पुलिस कथन 03 एवं 04 भी पुलिस को
दिए जाने से इनकार किया है। ब्राम पैराग्राफ चीन। अभियोजन साक्षी पीड़िता द्वारा अपने मुख्य परीक्षण कथनों में उक्त कहा डेसोनी के अलावा कोई घटना नहीं होना बताया है एवं घटना की रिपोर्ट थाना रनौद में करना बताया है। अर्धविराम। लेकिन सूचक प्रश्नों में उक्त साक्षी को 01 की रिपोर्ट पढ़कर सुनाए जाने पर उक्त साक्षी द्वारा ऐसी रिपोर्ट पुलिस को लिखाए जाने से स्पष्टतः इनकार किया गया है। ब्रह्म। अभियोजन साक्षी भानु प्रताप सिंह लोधी जो कि पीड़िता का पिता है अर्धब्राह्म के न्यायालयीन कथनों में भी घटना से समर्थित कोई तथ्य नहीं है एवं उक्त साक्षी से पूछे गए सूचक प्रश्नों में अभियुक्त द्वारा बुरी नीयत से पीड़िता के हाथ पकड़कर उक्त घटना कारित किए जाने का सुझाव दिए जाने पर उक्त साक्षी द्वारा अभियोजन के उक्त सुझाव को पूर्णतः अस्वीकार किया है। ब्राम पैराग्राफ चेंज। अभिलेख पर उपलब्ध साक्षीगण की उपरोक्त साक्ष्य के समग्र विश्लेषण से यह दर्शित होता है कि पीड़िता के भैंस लेने जाने पर अभियुक्त से कहा डह सुनी हो गई थी। ब्रह्म। इसके अलावा अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ कोई घटना कारित नहीं की गई है एवं अभियुक्त द्वारा पीड़िता की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग किए जाने के संबंध में अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है। ब्राह्म। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जब अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ बुरी नीयत से लज्जा भंग करने के आस से छेड़छाड़ की कोई घटना ही कारित नहीं की गई अर्धब्राह्म तब पीड़िता की लज्जा भंग होने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। ब्राह्म। फलतः प्रकरण में यह ना साबित है कि अभियुक्त ने दिनांक 06.02.2020 को शाम करीब 16:00 बजे के लगभग पौहा वाले खेत ग्राम विजयपुरा में अभियुक्त्री की लज्जा भंग करने की आस से या यह जानते हुए कि अभियुक्त्री की लज्जा भंग होगी। ब्राह्म। स्टॉप।